सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं एसके कर देते हैं। तो जो कि फ्रेंड्स आज के वीडियो में करने के वाले, आज के वीडियो में बनाने वाले पॉकेट हुक्का, जो कि हुक्का बहुत ही अच्छा है और ये बहुत अच्छे से वर्क भी करता है, जो कि आप इसे किसी भी जगह पर आसानी से लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा होने वाला है, लमसम इतना सा होने वाला है, हम इसे पेन की मदद से बनाने वाले हैं। फ्रेंड जब देने करते वीडियो करते स्टार्ट था, आप जब पेन होते प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियोज को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो कि फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैंने 50 लाइक का टारगेट रखा था, प्लीज हमारा 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दे एंड मैं टाइम सब्सक्राइब को भी जल्दी से कंप्लीट कर दे। फ्रेंड जब देने करते वीडियो करते स्टार्ट। आपको सबसे पहले ढक्कन लेना है, जो कि ढक्कन आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके इसको बीचों बीच एक छेद कर लेना है कुछ इस टाइप से, जैसे कि हमने एक छेद कर लिया, आपको इस टाइप से एक छेद कर लेना है उसको। जैसे कि हमने एक टाइप का नट लिया, आप देख सकते हैं जो नट है इसके बीचों बीच में छेद है। इसे हमने जो केबल का सेटअप बॉक्स होता है सेटअप बॉक्स के पीछे से हमने इसे निकाला है। तो इसको हमें छेद के अंदर बीचों बीच अच्छे से सेट कर देना है। तो हम इसे यहाँ पर अच्छे से सेट कर देते हैं। तो सेट करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर अच्छे से चिपका देते हैं। चिपकाने के लिए यहाँ पर एमसील की मदद से इसे चिपकाने वाले थे, जो कि आपके घर पर तो एमसील होता ही होगा, तो आपको एमसील की मदद से अच्छे से चिपका देना दोनों साइड से। आप किसी भी चीज़ से इसे चिपका सकते हैं, लेकिन जो है कि इसकी जो हवा अंदर बाहर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमारा ये जो ढक्कन है हमने इसे अच्छे से चिपका भी दिया और अच्छे से सूख भी गया। इसको फ्रेंड हम सिंपली करना है कि पेन ले लेना है, पेन के पीछे के सेट को हमें यहाँ पे बीच बीच एक छेद कर लेना है, जो कि हम इस छेद को आयरन की मदद से करने वाले, तब किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ से यहाँ पे एक छेद कर लेना है। तो छेद करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे फिनिशिंग के लिए जो कटर होते हैं, तो कटर के सहायता से हम यहाँ पे थोड़ा फिनिशिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आयरन की मदद से हमें जो छेद के लिए यहाँ से थोड़ा उभर के आया था, तो हम इसको फिनिशिंग के लिए कटर की मदद से अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। तो फ्रेंड उसके बाद हमें करना है कि हमारा जो छेद छेद के अंदर हमें ढक्कन को अच्छे से सेट कर देना, हमें यहाँ पे इसे अच्छे से चिपका देना है। तो चिपकाने के लिए हम यहाँ पे एमसील की मदद से चिपकाने वाले हैं, तब किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं। बस ये है कि हवा अंदर बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो ढक्कन था हमने इसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका दिया। इसके अलावा हम पहले ब्लैक बैकग्राउंड में वीडियो बना रहे थे, तो इस बार हम व्हाइट बैकग्राउंड में वीडियो बना रहे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा साफ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद आपको करना है कि आपको कैन के बोतल को लेना है, तो जो कि हमने कैन के बोतल को काट के कुछ इस टाइप का डिज़ाइन दे दिया है, तो आपको कुछ इसी टाइप का डिज़ाइन में काट लेना है गोल सर्कल में। वहाँ जो ढक्कन का जो साइज, ढक्कन के साइज से हमें कुछ इस टाइप से काट के बना लेना है, तो आप इसे देख के खुद भी बना सकते, आप इसे अच्छे से बना लेना। तो जो कि वीडियो लंबी हो जाती है इस कारण हमने इसको बना के नहीं दिखाया, तो आप खुद इसे अच्छे से बना लेना। और फ्रेंड्स ये रहा हमारा हुक्का फ्लेवर। तो फ्रेंड्स हमें इस फ्लेवर को करना है कि हमारा जो ढक्कन था पैन का ढक्कन में हमें इसे यहाँ पे अच्छे से भर देना। तो फ्रेंड जब तक कि मैं इसे यहाँ पे अच्छे से सेट करूँ, तब तक आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे एंड अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो फ्रेंड्स हमने अपने फ्लेवर को अच्छे से सेट कर दिया। उसको तो हमें सिंपली करना है कि हमें एक फॉइल पेपर ले लेना है। इस पेपर को हमें अपने ढक्कन के ऊपर अच्छे से रख के इसको हमें यहाँ पे रैप कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें सिंपली करना है कि हमने जो सबसे पहले एक कैन की बोतल को काट के जिस टाइप हमने एक सर्कल टाइप का बनाया था, सर्कल को हमें इसके ऊपर अच्छे से फिट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फिट कर दिया। इसको फ्रेंड्स आपको सिंपली करने का, आपको सुई की मदद से इसके ऊपर छोटे छोटे छेद कर लेने को जिस टाइप से, तो आपको यहाँ पे पूरे फॉइल पेपर के ऊपर आपको छोटे छोटे छेद कर देने हैं, जो कि फ्रेंड्स हमने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से छेद कर दिया। इसका हमें सिंपली करना है कि हमारा जो कॉइल होता है हमें इसके ऊपर अपने कॉइल को रखना है, और जो कि हमारा जो हुक्का ये पूरा बन के रेडी हो चुका था। वैसे टेस्ट करके देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स हमारे जो हुक्का ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा था, इससे बहुत ही अच्छा धुआं भी निकल रहा था, लेकिन जो कि वीडियो में शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी जो कैमरे की क्वालिटी है थोड़ी सी बेकार है, तो आपको शायद इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कमेंट्स करके बताते जाए कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।